हाय बच्चों, तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो मेरे को लगता है कि बोर्ड में पक्का आएंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर बच्चों आपको बताऊंगा। और मेरे को ये पता है बच्चों कि आप लोगों को बुक टू ज़्यादा टफ लगती है, इसलिए बच्चों मैं शुरू कर रहा हूँ बुक टू से। और हमारा बुक टू का पहला चैप्टर है हेलो ऑल किड्स। और बच्चों जरा देखो ऊपर क्या लिखा है, बच्चों मेरी हेडिंग देखो, हेडिंग क्या है, 10 क्वेश्चंस ऑफ हेलो ऑल किड्स विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। मतलब जब आप तैयारी करके जाओगे तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाने हैं, उसके अलावा भी आप तैयारी करना, लेकिन ये 10 क्वेश्चंस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों हेलो वल्केन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हेलो वल्केन का है SN1 SN2। आप लोगों को भी पता होगा बच्चों, और SN1 SN2 के ऊपर जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो है इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 10.7 और 10.8। जब बच्चों आप ये क्वेश्चंस कर लोगे 10.7 और 10.8 तो आप SN1 SN2 के ऊपर बेस्ड हर तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो तो SN1 SN2 के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जरूर करके जाना, लेकिन मेरे को क्वेश्चंस रखने थे 10 तक, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चंस के अंदर अपने फेवरेट ये 2 क्वेश्चन रखे हैं। बच्चों उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो होता है बच्चों, उसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड में आया है बच्चों, बहुत ज्यादा बार बोर्ड में आया है, और जिसके हैं 3 रीजंस, वो है बच्चों व्हाई क्लोरोबेंजीन और एनी हेलोरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके 3 रीजन होते हैं बच्चों, रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन और स्टेबिलिटी ऑफ कटायन। ओके बच्चों, उसके बाद आता है हाउ डज NO2 ग्रुप इन्फ्लुएंसेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों ये 2 क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन आपको वैसे NCERT में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको टॉपिक पे ही सर्च करना पड़ेगा। ओके बच्चों, हो गए हमारे क्वेश्चन कितने, 2 ये वाले क्वेश्चन हो गए हमारे 4। बच्चों उसके बाद टॉपिक इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों हेलो अल्केन हेलो ओरिन्स में से हेलो ओरिन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये बातें बच्चों आपको कोई नहीं बताएगा, ये बातें आपको सिर्फ वही बता सकता है जिसने बोर्ड के पेपर को बहुत ही बारीकी से देखा है, और वो मैंने देखा है, बहुत सारे पेपर्स बच्चों मैंने देखे हैं, चेक होते हुए चेक करते हुए सब देखा है। अब आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सॉल्ट एग्जांपल 10.9। ये क्वेश्चन बच्चों मेरा फेवरेट है कि जो क्लोरीन ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेट क्यों कर देता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है रेजोनेंस इफेक्ट के मुकाबले। फिर बच्चों बैक एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, वो है क्वेश्चन नंबर 8, 12, 14, 22 और 19। बच्चों इनमें से मिक्स क्वेश्चन रखे हैं मैंने, रीजनिंग बेस्ड भी रखे हैं मैंने, और मैंने रखे हैं कन्वर्जन बेस्ड भी। तो बच्चों मैं हर चैप्टर की आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं जो आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते। और बच्चों मैं आपको ये अश्योर करता हूं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएंगे। थैंक यू बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।